मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये जो आश्रम है इसका जैसे आपने मेरे को बताया कि कलयुग के अंदर कि उन्होंने अपने प्राण त्याग के गुरुजी ने अपने भाई को दे दिया जी, ये कलयुग में 300 सन की बात है, 300 वर्ष पहले की बात, 300 साढ़े 300 वर्ष पहले की बात है। और उस बीच में यही स्थान था गुरुजी का? हाँ, स्थान वहाँ तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तब कुछ सिर्फ गंगा जी बहती थी और नरसिंह भगवान का मंदिर था। सिर्फ नरसिंह भगवान जी। गंगा जी किधर से बहती थी? गंगा जी इधर से बहती थी। अच्छा। और कोटपुतली तक जाती थी। अब वो गंगा जी तो यहाँ पे होंगी, तो पानी की वैसे नहीं है, तो होना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि ये गौशाला है और आपके इधर आज हमने भोजन किया, वाकई में आत्मा तृप्त हो गई यहाँ पे। एक से एक संत हुए हैं, कोई योगी हुए हैं, कोई सिद्ध हुए हैं जी, कोई ज्योतिष आचार्य हुए हैं जी जी। अभी जो वर्तमान में महाराज जी थे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया जी जी, उनको तो राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। हाँ, वो बताया था पद्म श्री, उन्होंने त्रिवेणी धाम को बनाया, जितना पुजाया जी जी पहले वालों ने किसी ने पिया। और इस वक्त जो महामारी चल रही है कोरोना, शाहपुरा के इधर हमारे को मार्गदर्शन देते रहते हैं सैनी साहब, हम जब भी आते हैं, आज हमारा दूसरा राउंड हम आए यहाँ पे, हमारे को तो सिर्फ ये कि जिन परिवारों के पास ले जाते हैं वो वाकई में उस चीज़ के जरूरतमंद है बिल्कुल, और सैनी साहब का हम पूरा समय ले लेते हैं, हम उनको फिर काम नहीं करने देते, हम कहते हैं हमारे साथ नहीं, ये तो समाज और हमारे न्यूज़ चैनल के लिए ये चाहे दिन हो चाहे रात हो ये उठ के आते हैं। और 15 तारीख को हम लोग एक सेंसर है जिसकी कॉस्ट है 3500 रुपये, उस तरह के 50 सेंसर मैं यहाँ लाऊँगा और 50 परिवारों का राशन दूँगा। और जैसे मेरे को मार्गदर्शन दिया है कि हमने सब्जी वालों को देने हैं यहाँ के, क्योंकि वो गली गली में हर जगह मिलते हैं, हर तरह के व्यक्ति से मिलते हैं जिससे कि उनकी जान बचाई जाए। और 500 मीटर पहले से ही पता चल जाता है कि ये कोरोना इफेक्टेड है, वो एक अलार्म की तरह बीप करता है बिल्कुल, और जिससे कि उस पेशेंट की भी मदद हो जाती है और सामने वाले को उससे हार्म भी नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता। तो वो उस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मैं अब 15 तारीख को आऊँगा वो लेके आऊँगा। और 15 तारीख को जब हम आश्रम में आएंगे तो सैनी साहब देखिए, मेरे को इतना तो नहीं पता, आप बड़े हैं, गुरुजी तो बहुत ही बड़े होंगे, कि जो गाय का चारा होता है, मेरे पिताजी कहते थे, हम खुद ब्राह्मण हैं भारद्वाज हैं, मेरे पिताजी कहते थे जब चारा खिलाओ तो गुड़ साथ में गाय के बीच के और कहते उससे जो मोक्ष और जो तुम्हारे पाप हैं वो सिद्ध होंगे, मतलब कि पाप खत्म हो गए और तुम्हें अच्छाई की तरफ मिलेगा। तो इस बारी जो चारा है तो वो मुझे आप बताना कहाँ से लाए। तो महाराज जी ने तो कहीं रखा है, अभी जो महाराज जी शरीर छोड़ी उनको तो कहना ही था कि विप्र देव तो संतित लीन मनोजों का, कि अगर ब्राह्मण की गौ माता की और संतों की जहाँ सेवा होती हो वहाँ ये रोग वो कुछ नहीं लग सकता, उससे बड़ा पुण्य संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। और ये देखो कि कैकेयी जी यानी कि इतना बड़ा कलंक ले ली कि भगवान को जब रात तिलक होने लगा तब देवताओं ने विप्रदेन सुत संतित लीन मनुज अवतार, जब जाके इन्होंने देखा कि बोले महाराज जी तो स्वर्ग से ही बोले राजा बने हुए और यहाँ पे भी अगर राजा बन गए तो इनका क्या होगा, तब जाके केकई से ये प्रार्थना करते हैं कि हे देवी तुझे इतना बड़ा कलंक लेगा, बोले मैं इससे भी बड़ा कलंक लेने के तैयार हूँ। तो इसके अगर इन तीनों चीज़ों की अगर सेवा करता है तो महाराज जी का कहे कि अगर इस स्थान में इन तीनों चीज़ों की अगर गरिमा को खत्म कर दोगे तो ये स्थान ही खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आज वो परंपरा चल रही है। एक हमारे पिताजी एक बात कहते थे, कहते हैं अभी कि रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, बिल्कुल रावण से बड़ा सिद्धि कोई नहीं था, बिल्कुल बस उसको उसकी मैं मार गई, वो मैं भी नहीं थी रावण के अंदर, रावण ने मोक्ष लेना था और स्वर्ग लेना था, क्योंकि रावण ने अपने टाइम में बहुत से युद्ध लड़े और देवताओं तक को जीत के आए थे, उन्होंने कहा अगर मैं मौत भी लूंगा तो साक्षात नारायण से लूंगा जो मुझे स्वर्ग मिलेगा। जब रावण जी का अंत हुआ था तो लक्ष्मण जी उनके सर की तरफ आके खड़े हो गए, तो भगवान राम ने यह कहा था कि नहीं इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, इनके चरणों में खड़े होकर कुछ ज्ञान ले ले। हाँ जी, क्योंकि भाई ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते नाते अगर तू सिर की तरफ खड़ा होगा तो ये बोलेगा नहीं, क्योंकि अपना कर्तव्य भी अपन क्षत्रिय है, तो ये लगन बोले मेरे साथ चल और मैं तुझे बताता हूँ। लखनलाल जी जब गई तो रावण कुछ बोला नहीं, आकर के भगवान को बोला महाराज कुछ बोल नहीं रहा, तब राम जी ने कहा कि चल, तो चरणों की तरफ जाके जब खड़े होते तब रावण कहता है कि हे रघुनंदन कैसे आना हुआ पूछो, तब उन्होंने कहा कि लखनलाल अपन क्षत्रिय और ब्राह्मण का कर्तव्य है अपना नमन करना, क्योंकि कहा ना कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन ने ये चार वर्ण है, मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से राजा क्षत्रिय पैदा हुए और उधर यानी कि बनिया पेड़ से और शूद्र पैरों से, तो ये लोगों ने भ्रांति कर दी कि ये सब ऐसी है, ये ब्राह्मण है,
बाकी भगवान ने जो ये वर्ण बनाए ना बहुत हिसाब से बनाए। ये तो आज एक क्या कहते हैं, हर किसी ने अपनी पॉलिटिक्स और राजनीति के लिए पॉइंट बना दिया, पॉइंट बना दिया। जैसे कि वो अभी चल रहा है कि जमातियों की वजह से, अरे अगर इतना ही था तो पहले अगर गवर्नमेंट चाहती हमारी स्टेट गवर्नमेंट, अब देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट है यहाँ राजस्थान में, मगर मैं जितनी बार राजस्थान तक आया हूँ या जयपुर तक गया हूँ, मैंने कम से कम राजस्थान टूरिज्म पूरा मेरे पास है, मैं खुद राजस्थान टूरिज्म को प्रमोट करता हूँ, और राजस्थान टूरिज्म की जो फ्रीलांसिंग ब्रांड मैनेजर है उसका नाम है सतनाम कौर लड़की का, वो इस वक्त लॉकडाउन में उसका ब्लड वगैरह चढ़ा था तो वो अपने घर पर ही है। हम जब भी आए हैं मगर हमें इन जैसे व्यक्ति नहीं मिले, रीज़न हर कोई पैसा और मोह, पैसा और मोह की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, ये राजनीतिक होके भी राजनीतिक नहीं है, मैं इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्योंकि सैनी साहब के अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जो व्यक्ति हमारे जैसों के लिए, न्यूज़ चैनल वालों के लिए अपना समय छोड़ के, नहीं बेटा तुम अपने हाथों से दो। सबसे बड़ी चीज़ मैं ये देखता हूँ, हम इनके हाथ से दिलवाना चाहते हैं या हमारी टीम के बच्चों के हाथ से दिलवाते हैं, नहीं आप करो, और हमारे साथ स्वयं चलते हैं, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 4 घंटे लगे, हमें पूरा समय मिलता है। हाँ, बिल्कुल समय देना, अपना काम छोड़ के या हमारे लिए खड़े हो जाओ, तो इनसे बड़ा महान कौन होगा।